गुड मॉर्निंग एवरीवन। ईयर का डे टू यहाँ से शुरू होता है। ये वो जगह है जहाँ पे हम रुके थे। सुबह अराउंड 7 o'clock हम निकले मॉर्निंग वॉक के लिए। देखिए कितना खूबसूरत जगह है ये, शहर के भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर। इस एरिया में सारे बड़े बंगलोज बने हुए हैं। हमारे केयरटेकर ने बताया कि ये सारे बंगले जिनके भी हैं, ज़्यादातर लोग या तो चेन्नई में रहते हैं या फिर सेलम में रहते हैं। सामने जो व्यू दिख रहा है उसके और करीब जाने की हम कोशिश कर रहे थे। और चारों तरफ ग्रीनरी, सुंदर सुंदर पेड़ फूल से सजे हुए हैं। वेदर वॉज प्लेजेंट, इट वॉज नॉट दैट कोल्ड। टेम्परेचर 20-21 डिग्रीज दिखा रहा था, पर रात को बहुत ठंड लग रही थी। वॉक करते हुए हम काफ़ी दूर आ गए थे, चलिए अब लौटते हैं वापस। मॉर्निंग वॉक से लौटकर अराउंड 9:30 AM रेडी होके हमने चेकआउट किया। हमने देखा था कि 9:30 AM स्काई पार्क खुल जाता है, तो सोचा एक बार वहाँ जाके चेक करते हैं क्या है कैसा है। द बेस्ट पार्ट ऑफ वेयर वी स्टेड वॉज इट वॉज क्लोज टू ऑलमोस्ट ऑल द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस। 10 मिनट में हम स्काई पार्क पहुंच गए। ये है स्काई पार्क का एंट्री, ये नया बना है। हम लोग सीधा पहले कार पार्किंग एरिया में चले गए। अभी वेदर काफी क्लियर हो गया था, देखिए धूप भी निकल आया है। ऑलरेडी देखिए कितने लोग आ गए हैं यहाँ पे। टिकट काउंटर में जाके पता चला कि आपको मिनिमम हाफ अ डे का एक पैकेज लेना होगा, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज टिकट पर पर्सन। आज हमारे पास टाइम नहीं था कि हम स्काई पार्क कवर कर सके, मे बी नेक्स्ट टाइम। स्काई पार्क इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल अम्यूजमेंट पार्क जो नया बना है। इसके अंदर भी काफ़ी एक्टिविटीज़ है, लाइक जिप लाइनर्स एंड अदर फन एक्टिविटीज़। अलॉन्ग विद दैट जो मेन अट्रैक्शन है, एक ग्लास स्काई वॉक है जहाँ से आपको बहुत सुंदर व्यू मिलेगा 360 डिग्री। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हेडेड टू पगोडा पॉइंट। पगोडा पॉइंट भी हम 10-15 मिनट में पहुँच गए। दिस इज द एंट्री पॉइंट। यहाँ पे भी सारे टूरिस्ट आ गए हैं, पार्किंग स्पेस भी फुल हो गया है ऑलमोस्ट। लुक एट दिस व्यू फ्रॉम हियर। अगर वेदर एकदम क्लियर रहेगा तो यहाँ से बहुत सुंदर व्यू आएगा। यहाँ से आप नीचे की सिटी को देख सकते हो। अंदर एक वॉच टावर है जिसके लिए आपको इस गेट से अंदर जाना होगा। यहाँ पे ऐसे कुछ स्टॉल्स बने हुए हैं जहाँ पे स्वीट कॉर्न मिल रहा था, कच्चे आम मिल रहे थे जिसको देख के मुंह में पानी आ रहा था, और कुछ और शॉप्स हैं यहाँ पे जहाँ पे टॉयज और ये सुंदर टोकरियाँ जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो भी मिल रहा है यहाँ पे। अब हम वॉच टावर की तरफ जा रहे हैं। अ
a variety of fresh fruits available here. वॉच टावर में काफ़ी लोग थे, सब फोटो ले रहे थे, काफ़ी भीड़ था यहाँ। हम भी वेट कर रहे थे कि कब थोड़ा खाली हो और हम भी थोड़ा पिक्चर्स लें यहाँ से। और इस दुकान में गर्मा गर्म चाय और मैगी मिल रहा था। पता नहीं आप में से कितने लोग अग्री करोगे, पर पहाड़ों में मैगी का स्वाद दुगना हो जाता है। सो अभी हम पगोडा पॉइंट से निकल रहे हैं ऑन द वे, और जो भी स्पॉट्स हमको मिलेगा देखते देखते हम लोग निकल जाएंगे। फाइनली मैंने ये सुंदर सी टोकरी ले ली यहाँ से। प्राइस भी रीजनेबल था, 120 रुपीस का पड़ा मुझे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन से व्यू पॉइंट हम आज कवर कर सके। जगह जगह वैरायटी ऑफ फ्रूट्स बिक रहे थे। This is the famous Anna Park. It is like a botanical garden. अंदर बहुत सुंदर garden है along with children park. Ticket prices यहाँ पे दिया हुआ है, adults के लिए 40 rupees and children के लिए 20 rupees. Camera के लिए 50 rupees. पर हमको camera के लिए नहीं देना पड़ा extra. आइए अंदर चलते हैं। वैरायटी ऑफ प्लांटेशन एंड फ्लावर्स आपको देखने को मिलेगा इधर। यहाँ पे काफ़ी फोटोग्राफर्स आए हुए थे। यही वो चिल्ड्रंस पार्क है। देखिए यहाँ बैठने का भी जगह बना हुआ है, बड़े यहाँ बैठ के गपशप कर रहे हैं और बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। इस पार्क के ऑपोजिट साइड में ही यड़काड लेक है। और ये उस गार्डन के अंदर ही एक नर्सरी है। ये देखने में लालबाग का जो फ्लावर शो होता है उसका मिनी वर्शन लग रहा है।
यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ। मैंने भी कुछ पिक्चर्स लिए यहाँ पे। काफ़ी बड़ा है ये गार्डन, कम से कम 30 to 40 minutes लगेगा कवर करने में। आपके पास अगर टाइम है तो आप आराम से घूम सकते हो, बैठ सकते हो। पार्क से निकलते ऑलमोस्ट 12 o'clock बज रहा था, तो हमने खाना खाया। गुड बाय यरकाड, हम दोबारा आएंगे। फिर से वही हेयर पिन बेंड्स क्रॉस करते हुए हम लोग जा रहे थे वापस। लौटते वक्त संडे को तो काफ़ी सनी था वेदर। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे पहले ही स्काई पार्क विजिट करेंगे और एक बड़ा सा टेम्पल है यहाँ, वहाँ दर्शन करेंगे। ऑलमोस्ट हम नीचे आ गए हैं। सालम क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम बैंगलोर पहुंचे, बारिश ने हमारा स्वागत किया। वापस हम आ गए हैं अतिवल्ले टोल गेट। इसी के साथ हमारा यरकाड ट्रिप यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।